नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में दोस्तों आज हम जानेंगे बाबा साहेब भीम राम अम्बेडकर जी का बायोग्राफी और देखेंगे उनका इतिहास क्या है और आप इस चैनल पर न्यू है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली बार से सबसे पहले वीडियो देख सके चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं भीमराव राम जी आम्बेडकर जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है का जन्म 14 अप्रैल अठारह को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे और उनकी माता भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थीं। आम्बेडकर का शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा था उन्होंने अछूत होने के कारण समाज में अत्यधिक भेदभाव और अपमान का सामना किया बावजूद इसके उन्होंने अपनी शिक्षा पर जोर दिया वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़े और 1912 में बीए की डिग्री प्राप्त की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब उन्नीस में कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए वहाँ से उन्होंने 1915 में एमए और 1917 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहाँ से 1921 में एम और 1923 में डी की डिग्री प्राप्त की वे ग्रेन इंग लंदन से बैरिस्टर भी बने बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव और जातिगत अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिसका उद्देश्य दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना था 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया जिसमें दलितों ने सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने के अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने उन्होंने भारतीय संविधान को जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए समर्पित किया भारतीय संविधान में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई है उन्नीस में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया उनका मानना था कि बौद्ध धर्म दलितों के सामाजिक उत्थान और आत्मसम्मान को बढ़ावा देगा 6 दिसंबर उन्नीस को दिल्ली में बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन हो गया उन्हें मरणोपरांत उन्नीस में भारत रत्न से सम्मानित किया गया बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन और उनका संघर्ष सामाजिक न्याय समानता और मानवाधिकारों के लिए प्रेरणादायक है उन्होंने भारत को एक न्यायसंगत समाज बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार से सबसे पहले आप वीडियो देख सके मिलेंगे फिर किसी न्यू वीडियो में अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए जय भीम